नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डीएसके। आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। गाइस, अंडे का फंडा, ये वाला जो टास्क चल रहा है बिग बॉस मराठी में, हमने एक दिन पहले देखा कि इस टास्क में भी किस तरह हिंसा हो रही है, किस तरह लोग एक दूसरे का गला पकड़ के दबा रहे हैं, होल्ड करके रख रहे हैं। एंड हमने देखा था कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए थे। पुष्कर ऑलरेडी बेहोश हो चुका था थोड़ी देर के लिए, एंड ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसी बिग बॉस मराठी सीजन 1 में ऋतुजा, जिनके हाथ में चोट लग गई, हाथ फ्रैक्चर हो गया और वो शो से बाहर जा चुकी है। तो बिग बॉस मराठी में ना तो कोई किसी को चोट लग जाएगी ये सोच रहा है, किसी को इंजरी हो जाएगी कोई भी नहीं सोच रहा है, नॉट इवन बिग बॉस। तो जो हमने देखा था, जैसे कि सुशांत एंड रेशम के नाम के जो एक्स आए थे वो सेव हो चुके हैं, एंड हमने देखा है कि मेघा अलग ही स्ट्रेटेजी बना के चल रही थी। एंड इस बारे में मैंने कल बात की भी थी, मैंने आप लोगों से सजेशन भी मांगे थे, कमेंट्स भी मांगे थे। आप में से कई लोगों ने ये कहा कि ये मेघा की स्ट्रेटेजी है, बट मैंने तब भी कहा था मुझे लग रहा है मेघा का ये प्लान बैकफायर होगा, क्योंकि इस टास्क में अब तक मेघा को सिवाय सबक के कुछ नहीं मिला है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा इस टास्क में मेघा को क्या मिला, क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो इस टास्क के थ्रू एक दोस्ती का दायरा बढ़ाना चाहती है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मूर्ख मंडली से आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए, वो आपको अपने लेवल तक गिरा लेंगे। आप ये सोच के गए थे कि वहां दोस्ती का दायरा बढ़ेगा तो हमारा ग्रुप मजबूत होगा, लेकिन ये सोचना एक मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं है। आप क्या सोच के गए थे, आस्था जैसे लोग आपकी बातों में आके आपका काम मानेंगे? क्या आप ये सोच के गए थे कि आप आस्था की मदद लेकर आगे बढ़ पाएंगे या सुशांत की मदद लेकर आगे बढ़ पाएंगे? इस टास्क में आस्था ने साबित कर दिया है कि वो क्या है, और उसने जो एक्टिंग की है ना इस टास्क में, उसको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। सही के नाम का जो एग आया था, सपोर्ट करूंगा करूंगा करूंगा, क्या किया आस्था ने, सबको दिखाई दे गया। सबसे मजे की बात तो यह है कि आस्था, जिसको हर कोई चाहता था कि वो, जिसके भी नाम का एग आए एज ए डिफेंडर, वो लोग आस्ताद को अपनी टीम में लेना चाहते हैं। जाहिर सी बात है, वो अभी फिजिकली घर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग बंदा दिखाई दे रहा है। उषा जी के नाम का जब एग आया, उषा जी ने भी आस्ताद को एज ए डिफेंडर रखा था। अब आप इमेजिन कीजिए कि आस्ताद, जो कि इतना फिजिकली स्ट्रांग है, उषा जी का जो एग रखा हुआ था उसे आराम से लोग ले गए, फुटबॉल की तरह इधर से उधर उसे उछाला, एंड इवेंचुअली उषा जी के नाम का एग जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया। जब खुद के उसके नाम का एग आया तो कैसे गोल घेरा बनाकर आपस में एक दूसरे को सबको इंटरलॉक कर लिया है, पुष्कर एंड ये सब, एंड इस तरह से वो स्ट्रेटेजी बना के बैठ गई कि सामने वाला आ ही ना पाए। और आया भी कौन, आस्ताद के नाम का एग आया था तो आएगा भी कोई नहीं, अकेली मेघा आई थी। यहां पर मेघा को बहुत बड़ा सबक मिला है, आस्ताद के नाम का एग आया तो न रेशम आई न सुशांत आया। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा सबक था मेघा के लिए कि आस्ताद के नाम का अंडा फोड़ने के लिए उसके दोस्त एक सेकंड के लिए भी नहीं आए। तो यहाँ मेघा को मिला सबक, और मेघा के जितने फैंस हैं उन सबको मिल गया बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट। यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि शर्मिष्ठा ने इस टास्क में बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। ठीक है, उसका भी जो एक था वो डैमेज हो गया, लेकिन उसने टास्क में पूरी शिद्दत और ईमानदारी दिखाई है। एंड कहीं ना कहीं उसने जो वॉशरूम एरिया में मेघा को समझाया था ना, वो बात मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि सुशांत, रेशम, भूषण, ये आस्ताद का ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेघा को क्यों जरूरत पड़ गई अपने ग्रुप को छोड़कर दूसरे ग्रुप को सपोर्ट करने की? सो जिस तरह से चीजें हो रही हैं, जिस तरह से प्रोमो में हमने देखा कि सुशांत एंड पुष्कर का वाक युद्ध शुरू है, तो देख लूंगा ये वो तू निकल, तो हम और आप बाहर बैठकर ये चीजें अच्छे से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये जो मूर्ख मंडली है, आपने तो देखा ही होगा ना टास्क में, इनकी चेहरे पर दिखाई देती है वो खुन्नस की। हाँ, रेशम को देखा आपने, धक्का कर रही है पुष्करी, शर्मिष्ठा को एकदम लिटरली पुश कर दिया था। आस्ताद को देखिए, खुद का एक बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। उषा जी एंड सई का जो एग था वो बचाने का सिर्फ ड्रामा किया उसने, सिर्फ एक्टिंग की और कुछ नहीं किया। हमने ये भी देख लिया कि आस्ताद के एग को डिस्ट्रॉय करने के लिए ना सुशांत आया, ना रेशम आई, ना भूषण आया। क्यों आएंगे? क्योंकि वो दोस्त हैं उनके, उनको उन्हीं के साथ में होकर चलना है। तो फिर मेघा क्यों बड़ी अम्मा बनना चाहती है, वो क्यों एग्जाम्पल दे रही है कि हाँ मैं दिल बड़ा रख के चल रही हूँ?
सिंपल सी बात है, मेघा ये जताना चाहती थी कि वो हर टास्क में पार्टिसिपेट करती है, टास्क में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है, वो टास्क को अच्छे से करना चाहती है। लेकिन यहां मैं एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहूंगा कि बिग बॉस में टास्क ही सब कुछ नहीं है। बिग बॉस के अब तक की सीजन में हमने देखा कि कई लोगों ने बढ़ चढ़ कर टास्क किए हैं, कई लोगों ने बेइंतहा मेहनत की है टास्क में, लेकिन वो बिग बॉस नहीं जीत पाए। अगर मेघा एक सेकेंड के लिए आप सोचिए, अगर वो जो आस्ताद का जो एग था वहां मेघा एग को डिस्ट्रॉय करने के बजाय आती, बीच में खड़े हो जाती कि कोई भी नहीं आ रहा है अपने दोस्त का एग डिस्ट्रॉय करने के लिए, मैं आई हूं, मैं डिस्ट्रॉय नहीं करूंगी, कैमरे में डायरेक्ट बोल देती कि यहां तो ग्रुपबाजी चल रही है। आप देख सकते हैं बिग बॉस ये टास्क किस तरह से हो रहा है। अपने फैंस से रिक्वेस्ट करती कि फैंस आपको सबको दिखाई दे रहा है कि कौन किसका सपोर्ट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर ये चीज आप कैमरे में बोल दो डंके की चोट पर, यहां बिग बॉस टास्क जीतकर नहीं जीता जाता है, बिग बॉस जीता जाता है लोगों का दिल जीतकर, लोगों के दिल में जगह बनाकर। दुनिया में जितने भी लोग बिग बॉस मराठी देख रहे हैं उन सबकी नजर में ये मूर्ख मंडली एकदम चीप और थर्ड क्लास हो चुकी है। आप क्या सोचकर गए थे उनके ग्रुप के पास कि शाबाशी मिलेगी, इम्यूनिटी मिलेगी, ये लोग सपोर्ट करेंगे, ये लोग नॉमिनेट नहीं करेंगे? अरे ये मौका पड़ने पर अपने माँ बाप को बेच दे मेघा तो तुम क्या हो। शर्मिष्ठा के लिए मैं तारीफ करना चाहूंगा, उस लड़की ने बहुत मेहनत की है एंड मुझे लग रहा था कि वो अकेली पड़ गई थी, उसे सपोर्ट कहीं से नहीं मिला। पुष्कर के बारे में तो क्या बोला जाए, वो तो मैं पहले भी कह चुका हूँ कि वो चार लोगों को देखकर डर जाता है। इन लोगों को कुछ तो सीखना चाहिए सुशांत, रेशम, आस्था से। अपने ग्रुप को बचाते हैं, दूसरों के ग्रुप पर टूट पड़ते हैं। सो ओवरऑल आपको ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताइएगा। मेघा के लिए जो मैंने बोला वो मेरा खुद का पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरी बात हो सकता है कई लोगों को गलत लगे, बुरी लगे, लेकिन मैं कहूंगा वही जो मुझे दिख रहा है। कोई जरूरत नहीं थी मेघा को इनके ग्रुप के अंडे डिफेंड करने की या इनके ग्रुप को किसी भी तरह से सपोर्ट करने की, क्योंकि ये लोग उस तरह के सांप हैं जो आपको ही काटेंगे। आप एक बार कोबरा पर भरोसा कर सकते हैं, वो शायद आपको बगैर डसे चला जाए, लेकिन ये जो आस्तादन मंडली का ग्रुप है ये आपको डसेगा ही डसेगा, और इनके प्रभाव में आने के बाद आपकी अच्छी खासी इमेज का भी कचरा होना ही है। मानता हूं मैं कि बिग बॉस है, टास्क है, आपको टास्क करना है, लेकिन जब आपको दिखाई दे रहा है डे वन से कि पार्शियलिटी हो रही है, लोग एक ही टीम को बहुत ज्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, बहुत बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं, वो इतनी हिंसा करने के बाद भी वो अब तक टिके हुए हैं, मैं मानता हूं कि लोग चाहते हैं, फैन चाहते हैं कि आप टास्क में अच्छे से परफॉर्म करें, लेकिन जब आपको दिखाई दे रहा है कि टास्क ही पार्शल है, टास्क ही बायस्ड है, तो आप स्टैंड लो, बोलो, कैमरे के सामने बोलो ना कि भैया ऐसी टास्क हो रही है, इस टास्क में अपने हाथ पर तोड़वाने से बेहतर है मैं इस टास्क को खेलू ही नहीं, मैं इस टास्क में जाऊं मेरे को इंजरी हो एंड इवेंचुअली हारना हम ही को है, तो फिर हम लड़े ही क्यों। जब तक आप बोलोगे नहीं पब्लिक में मैसेज नहीं जाएगा, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आप स्टैंड लो, बोलो, आप बोलोगे नहीं चीजें बदलेंगी नहीं, और आप बोलोगे आपका मैसेज जाएगा, लोगों को पसंद आएगा आपका अंदाज। एंड एपिसोड के एंड में जो हमने प्रोमो देखा है अगले एपिसोड का, जहां पर कि सुशांत और पुष्कर का वाक युद्ध शुरू है, तो उससे ये बात तो साबित हो गई कोई कितना भी समझा ले, कितना भी बोल ले, सुशांत एंड टीम वही करेगी जो वो करते आए हैं, वो लोग नहीं सुधरने वाले हैं। ऐसे लोगों के साथ में मिलकर के मेघा ने कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है अपनी इमेज का भी कबाड़ा कर लिया है। खैर अभी भी बात बहुत ज्यादा नहीं बिगड़ी है, अभी भी मैं चाहता हूं कि वो अपनी ही टीम के साथ रहें, अपनी ही टीम के साथ खेलें एंड एक स्टैंड लें, खुलकर पूरी टीम के साथ खड़े होकर स्टैंड लें कि भाई इन लोग की दादागिरी, बिग बॉस की पार्शियलिटी ये एक लिमिट से पार हो गई है, एंड अब जो भी टास्क हो अगर ऐसी टास्क आ रही है तो हम उस टास्क में नहीं खेलेंगे। ऋतुजा का एग्जाम्पल दो ना, क्या हुआ ऋतुजा के हाथ तोड़ दिया, वो फ्रैक्चर हो गया, वो चली गई शो से बाहर, क्या एक्शन लिया, किसी को दंड मिला? किसी को दंड नहीं मिला, और आगे भी किसी को दंड नहीं मिलेगा अगर ये लोग स्टैंड नहीं लेंगे तो। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मैं हमेशा कहता हूं लोगों से कि आप पॉजिटिव रहो, एनर्जेटिक रहो, अपनी एनर्जी सही जगह पर फोकस करो, लेकिन बिग बॉस जैसे शो में आप हमेशा अच्छे बनकर पॉजिटिव बनकर नहीं सर्वाइव कर सकते। यहाँ लोग आपकी अच्छाई का, आपके पॉजिटिव नेचर का बखूबी फायदा उठाएंगे। आप एक शो में हैं एंड इस शो में अगर सामने वाला साम दाम दंड भेद कर रहा है तो आप भी करो, टिट फॉर टेट करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाने से भैंस दूध नहीं देती है। ये एक प्रतियोगिता है, एक तरह का युद्ध है जिसमें कि आपको हर पैंतरा अपनाना पड़ेगा,
आप हमेशा अच्छे रहकर अच्छे बनकर जीत नहीं सकते। लोग भी एक लिमिट तक सपोर्ट करेंगे, फिर बोल देंगे अरे यार इसको कब तक वोट करें, ये खुद ही नहीं कर रही है, प्रतिकार क्यों नहीं करते हो खुलकर, गजब है यार। खैर ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आपको क्या ख्याल आता है बताइएगा जरूर। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए एंड यस सब्सक्राइब कीजिए डीएसके टॉक्स। थैंक यू सो मच।